वो नेहा, सबा का फोन आया था, वो आज बीमार है, पार्लर नहीं आएगी। अम्मी आप परेशान नहीं हो, मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं, मेरे ख्याल से तुम आज घर रुको, यहाँ पे भी बहुत काम है। मैं सुमर को साथ ले जाऊंगी आज। मैं? मामा मैं क्या करूंगी जाके? आपको तो पता है इन कामों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, और ना ही मैं आपकी वैसे हेल्प कर सकूंगी जैसे भाभी करती हैं। बेटा तुम चलोगी तो सीखोगी ना, क्या हो गया, मुझे तुम्हारी जरूरत है, परेशान क्यों होती हूँ मैं? तुम्हारे साथ तो सब सिखा दिया करूंगी। छोटी बेगम साहिबा, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है साहब। और अगर मेरी बात की खिलाफ वर्जी हुई तो तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते ही हो। बात को समझने की कोशिश करो। मैं चाह रही थी कि वो और आसिम थोड़ा घर में ना अकेले रहे, आप उसे बातचीत शुरू कर देंगे, चीजें शायद बेहतर हो जाएगा। आपको भाई से भी तो बात करनी चाहिए थी इस बारे में, आपने क्यों नहीं की? क्योंकि छोटी छोटी बातों में मैं नहीं पढ़ सकती बेटा, उनका आपस का मसला है, उनको सॉल्व करने दो। फिर मामा अंबर तो कह रही थी कि बहुत बड़ा मसला है। अरे तुम्हें अंबर का पता है, वो तो बोलती रहती है। ये अगर बड़ा मसला है और 2-3 दिन में हल नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ बीच में बोलूंगी, मुझे भी घर का माहौल ऐसे नहीं अच्छा लगता। लेकिन मामा भाई को... बेटा तुम और अंबर बीच में नहीं पड़ोगे, ठीक है ना? ना कर, ना तो दिलावे, मेरी सोनिया।